हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा था, 7:30 बज रहे, तो मैं अभी परांठे बना रही हूँ। तो मैंने आलू अच्छे बॉइल होने हैं, तो मैं आज आलू के परांठे बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं सिंपल तरीके से परांठे बनाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आटा मैंने गूंद लिया है, आलू बॉइल हो रहे। तो आज बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है, तो 31 तक की छुट्टियाँ थी, अब 1 तारीख से ECC के ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। स्कूल तो बिजी लग रहे हैं, तो क्लास स्टार्ट हो रही है, तो बच्चे बिजी रहेंगे, तो अभी खाना बनाना पड़ेगा जल्दी से। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ परांठे बनाना। ये मैंने आटा गूंद लिया है परांठे के लिए। तो आटा काफ़ी टाइम हो गया, आटे को आधा घंटा हो गया। तो ये मेरे आलू बॉयल हो रहे हैं, तो अब मैं परांठा बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है आलू की बनाई। इसमें डाला मैंने नमक, मिर्च और लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च और अजवाइन डाले, और कुछ भी नहीं डाला। तो इसकी फिलिंग करूँगी मैं इनमें परांठों में। तो करते हैं स्टार्ट। परांठा मेरा तैयार है। हमारे परांठे बन गए हैं। अभी मैं बना रही हूँ, पर बच्चों को मैं गर्मा गर्म दे रही हूँ। ये दही के साथ खाएंगे। तो ये देसी घी के परांठे, देसी स्टाइल में। तो ये मैं दे रही हूँ बच्चों के लिए। अब मैं अपने लॉन में आ गई हूँ। छोटा सा लॉन है मेरा, इसमें मैंने हरी घास लगाई है, जिसको ध्रुव बोलते हैं। तो इसके बीच में एक्स्ट्रा घास लगती है, जो इसमें बुरी दिखती है, तो मैं उसी को निकाल रही हूँ अभी। अब मैं अपनी क्यारियों में आ गई हूँ। मैंने मिर्ची लगाई है यहाँ पे, और इसकी निराई कर रही हूँ। थोड़ी सी मिर्ची है, तो छोटी सी क्यारी है मेरी, तो इसकी निराई कर रही हूँ मैं अभी। कैसी लगी आज की मेरी वीडियो आपको? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो का कर देती हूँ एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।